नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का दिल से स्वागत है चैनल अहमदाबाद वेजिटेबल मार्केट यूट्यूब चैनल पर। तारीख हुई आज 4 दिसंबर 2024। देखते हैं सब्जियों के भाव में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, कैसी तेजी मंदी देखने को मिल रही है। और आप सभी को पता है कि हम फिक्स रेट नहीं होता, सब्जियों का भाव ऐसा है कि काफ़ी ऊपर नीचे देखने को मिलता है। देखिए मिर्ची है, मिर्ची में कैसा है, 40 से 45 तक का बाज़ार हुआ सितारा मिर्ची में। सुपर में सुपर हो तो 40 से 45 रुपए प्रति किलो तक का बाज़ार देखने को मिला। और G4 मिर्ची है 30 रुपए से लेकर 35 रुपए प्रति किलो तक का बाज़ार देखने को मिला। 30 रुपए से लेकर 35 रुपए प्रति किलो G4 मिर्ची। क्या है कि अब आज मिर्ची में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, क्यों? क्योंकि आज माल कम है, काफ़ी माल कम देखने को मिल रहा है मिर्ची में, इस वजह से ये तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए ये राजकोट काठियावाड़ वाली मिर्ची आए, चलिए पता लगाते हैं इसमें क्या कुछ चल रहा है। देखिए इसमें बाज़ार हुआ है नीचे 30 रुपए से लेकर 35-38 रुपए किलो तक का बाज़ार हुआ मोटी मिर्ची में। फिर वढ़वानी है डुप्लीकेट, और देखिए ये डुप्लीकेट मिर्ची है, इसमें बाज़ार हुआ है 30 से 40 रुपए तक का, इसमें भी बाज़ार देखने को मिला। बाकी देखिए ये ओरिजिनल मिर्ची है, रात को बाज़ार था 140 तक, अभी दिन में हुआ है 120 रुपए किलो, 120 रुपए प्रति किलो तक बिक्री है ये ओरिजिनल वढ़वानी। और चौली है, इसमें बाज़ार देखने को मिला 40 रुपए नीचे से लेकर 50-55 तक का बाज़ार देखने को मिला। और तुअर है, तुअर में क्या बाज़ार है कि नीचे में 50 से लेकर 60-65 रुपए तक का बाज़ार हुआ। तुअर है देखिए 65 रुपए तक का बाज़ार देखने को मिला, और तुअर भी कम देखने को मिल रही है। देखिए तुअर में भाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि माल कम है, दिन में अभी 70 रुपए तक बता रहे हैं, बाकी रेगुलर 65 तक का बाज़ार है, लेकिन माल नहीं है उस वजह से कि तेज़ी है। चलिए आगे जानकारी लेते हैं क्या कुछ चल रहा है, क्या माहौल है। मेथी है, मेथी में 18 रुपए किलो तक का बाज़ार देखने को मिला मेथी, 18 रुपए किलो। और धनिया, धनिया में अच्छी खासी तेज़ी है, 40 रुपए तक बिक रहा है धनिया, 40 रुपए प्रति किलो। देखिए वो पड़ा धनिया 40 रुपए प्रति किलो। मेथी आज आमदनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। पालक है, देखिए पालक में कैसा है, 15 रुपए से लेकर ऊपर 18-20 तक बाज़ार देखने को मिला पालक। और देसी मूली है 10-12-15 तक बाज़ार है, VVIP माल हो तो। बाकी जो राजस्थान आती है बिकती है 8-10 रुपए किलो। आगे दिखाता हूँ मैं राजस्थान वाली मूली। लहसुन है, हरा लहसुन जो ये देसी आ रहा है बिक रहा है 280-300 रुपए प्रति किलो। बाकी MP का भी लहसुन आ रहा है, वो साइज़ में थोड़ा बड़ा आता है, वो बिक रहा है 200 से लेकर 240 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है हरा लहसुन। प्याज है, देखिए ये डीसा वाला प्याज है, 20-22 रुपए तक का बाज़ार देखने को मिला। प्याज है, देखिए ये काठियावाड़ वाला प्याज है, बाज़ार गया इसमें 15-12 रुपए से लेकर ऊपर 20 तक बाज़ार देखने को मिला। बीट है, ये बीट में राजकोट माल है, लोकल माल, बाज़ार देखने को मिला 15 से लेकर ऊपर 30-35 तक का बाज़ार देखने को मिला। सुपर VVIP क्वालिटी हो, कोई वक्कल 35 तक, बाकी 30-32 रेगुलर बाज़ार देखने को मिला है बीट में। देखिए तुरई है, 55 रुपए तक बिक रही है तुरई, नासिक की तुरई 55 रुपए तक, पन्नी वाली सुपर माल आता है वो। और करेला है 35 रुपए तक बिक रहा है, 35 रुपए प्रति किलो। कच्चा केला है 15 रुपए बिक रहा है, 18 रुपए भी बिक रहा है, जैसी क्वालिटी 15 से 18 रुपए प्रति किलो। और
हल्दी है पीली हल्दी में बाजार गया है 40 रुपये किलो तक, 40-42 रुपये किलो तक सुपर हो गया। बाकी आंबा हल्दी है देखिए सफ़ेद वाली, इसमें बाजार गया है 70-75 रुपये किलो तक बिक रहा है सुपर। फिर गिलोड़ा है 60 रुपये तक बिक रहा है सुपर माल होता है 60 रुपये प्रति किलो। और सुरण है 45 रुपये तक बिक रहा है, खैरगाम वाला सुरण 45 रुपये प्रति किलो। साथ ही में रताड़ू है, देखिए रताड़ू में कैसा है कि ये लंबा वाला सब बिक रहा है 40 रुपये किलो। बाकी गोल भी पड़ा है, देखिए मैं आगे जाके दिखाता हूँ आप सभी को। ये रहा गोल वाला 80 रुपये किलो पे बिक रहा है, 80 रुपये प्रति किलो। और करेला है देखिए, ये काजू करेला 40 रुपये किलो तक सुपर माल हो तो 40 रुपये किलो तक बिक रहा है। और लंबा करेला है ये बिक रहा है 35 रुपये किलो तक। देखिए मैंने आपको सलगम दिखाई थी, ये भी सलगम 35 रुपये तक बिक रही है ये सलगम। और हरा पीला सूखा लहसुन तो है ही 280-300 रुपये किलो तक, बाजार टाइट ही है इसमें। बाकी चलिए आगे देखते हैं, जानकारी लेते हैं क्या चल रहा है। हरा घोड़ा है देखिए जिसका पेठा बनता है 20 रुपये किलो तक बिक रहा है, 20 रुपये प्रति किलो। देखिए शकरगंज में कैसा है कि नीचे 25 रुपये भी बिक रहा है, देखिए हल्का सलका दो नंबर माल है ये, देखिए उंगली जितना पतला है, दो नंबर गिना जाता है ये। नीचे 25 से लेकर ऊपर 30-35 रुपये किलो तक बिक रहा है शकरगंज। देखिए शकरगंज है, और ये 20 नंबर की दुकान है, ये अपने बड़े भाई की है। इनके यहाँ ज़्यादातर शकरगंज लगभग पूरे साल भर मिलती है। आंवला कैसा है कि 15 रुपये किलो से लेकर ऊपर 50 रुपये किलो तक बिका है, 50 वाला मतलब समझिए कोई कोई वक्कल जो आते हैं वो 50 रुपये, बाकी 15 से लेकर 35 रुपये तक का बाजार है, 35-40 रुपये रेगुलर। नींबू है 20-25 रुपये से लेकर ऊपर 40-45 तक बाजार है सुपर मालो VVIP तो 40-45 रुपये किलो। मिर्ची देखिए MP वाले 35 रुपये से लेकर 38 रुपये किलो तक का बाजार देखने को मिला, MP वाली शिमला मिर्ची। देखिए पिकाडोर मिर्ची है, ये UP आगरा वाली बिक रही है 35 रुपये से लेकर 38 रुपये तक का बाजार है। कोई कोई माल बिका है 40 रुपये तक, बाकी 35 से लेकर 38 रुपये प्रति किलो तक का बाजार देखने को मिला। अदरक है, अदरक में थोड़ा करंट देखने को मिल रहा है, बेंगलोर वाला अदरक 40-42 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है, 40-42 रुपये प्रति किलो बेंगलोर वाला अदरक। देखिए भुट्टा 17-18 रुपये किलो तक का बाजार देखने को मिला स्वीट कॉर्न, लोकल माल सब। मटर है, MP वाला मटर है रतलाम से, बाजार इसमें हुआ 80-85 रुपये प्रति किलो तक का बाजार देखने को मिला मटर में। पालोर पापड़ी है 38-40 रुपये किलो तक का बाजार देखने को मिला हुआ सुपर माल, 40 रुपये ठीक ठाक माल, 37-38 रुपये किलो। आपने कभी कुंभड़ियों बुम्बड़ियों का वीडियो देखा होगा जिसमें बनता है कुंभड़ियों बनता है वो सूरत साइड, ये सूरती पापड़ी है जो इसमें उसमें इस्तेमाल होती है, 120 रुपये तक बिक रही है, 100-120 रुपये प्रति किलो। ये गवार है, व्यारा साइड का गवार आता है, 60-70 रुपये किलो तक का बाजार देखने को मिला गवार फली, 60-70 रुपये प्रति किलो। भिंडी है, देसी भिंडी है 50 रुपये किलो तक बिक रही है। ये भिंडी है, ये व्यारा वाली है कैरेट वाली, 65-70 रुपये किलो तक बिकता है ये, 65-70 रुपये किलो, 65-70 रुपये तक बिका है। और जो बॉक्स वाला माल आता है उसमें बाजार गया है लगभग
नीचे ऊपर में 65 रुपये और नीचे में 40-50 जैसा माल, बाकी ये कैरेट वाला माल है, इसमें 65-70 रुपये किलो। लौकी ये देखिए, लौकी में बाज़ार है 10 रुपये से लेकर 15 रुपये किलो तक का बाज़ार देखने को मिला लौकी में, जैसा माल लौकी। मिस्टिक है 120 रुपये नीचे से लेकर ऊपर 160 रुपये तक बिकी है, जैसी क्वालिटी जैसा माल ड्रमस्टिक। भट्टा है, भट्टे कैसा है कि अभी बहुत माल आ रहा है, 6-8 रुपये किलो तक बिक रहा है भट्टा। बाकी रिंगन है देखिए, रिंगन में कैसा है, 15 रुपये तक बिक रहा है रिंगन। बाकी तो सुपर माल हो तो आज 20 तक का बाज़ार देखने को मिला, बाकी 15 से 20 एक सुपर, बाकी ये 10-12 रुपये तक बिक रहा है दो नंबर। और सूरती बैंगन है 40-50 रुपये तक का बाज़ार गया, सूरती बैंगन सुपर माल 50, बाकी ये ठीक ठाक माल है 40 रुपये तक बिक रहा है। देखिए कद्दू 18-20 रुपये तक का बाज़ार देखने को मिला आज कद्दू में। बाकी कोला ये चूचू बैंगन है, बिक रहा है ये 10-12 रुपये किलो। टमाटर है, टमाटर में पोजीशन हो रखी है नीचे 32-35 रुपये तक का बाज़ार है, 32-35 रुपये ठीक ठाक और हल्का माल। बाकी सुपर माल में 40 के ऊपर का बाज़ार है, सुपर VVIP हो तो 40-42 रुपये तक बाज़ार देखने को मिल रहा है। देखिए गोल्डन गोभी है 25 रुपये से लेकर 30 रुपये तक बिकी है, अच्छा माल 30 रुपये किलो तक बिका है गोल्डन गोभी। गोभी है ये MP वाली गोभी है, पन्नी में आ रही है, बिक्री है 23-22 रुपये से लेकर 25 तक का बाज़ार देखने को मिला। फुलावर है देखें 20-22 रुपये तक का बाज़ार देखने को मिला है, प्रांतेज वाला फुलावर 20-22 रुपये प्रति किलो। और कुछ VVIP कल हो जो बिके 25 रुपये तक, बाकी रेगुलर 20 से लेकर 22 तक का बाज़ार दियो। देखिए सुपर माल है, गाजर है देखिए, राजस्थान जोधपुर वाले बाज़ार गया 20-25 रुपये रेगुलर, और जो कुछ कुछ वक्कल आते हैं VIP जो उसमें बाज़ार जाता है 28-30, बाकी रेगुलर में बाज़ार है 20-25 रुपये किलो। खीरा है, खीरा में बाज़ार आज थोड़ा सा डाउन गया कल के मुकाबले, 500-600 की पन्नी बिक्री है 20 किलो की, 500-600 की पन्नी बिक्री है 20 किलो की, अच्छा माल हो तो 500-600, फिर उससे भी नीचे अगर हल्का माल हो तो।